फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड रियल फिगर 12.22। देखिए इसमें ये फिगर है इसका, इसको ये सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये 6 सेंटीमीटर की ली है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमने सी और डी डाल दिया। और ये टोटल सेटेड रीजन है, पूरा सेटल रीजन है। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू दी हुई है रेडियस ऑफ सर्कल तो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं गिवन क्वेश्चन नंबर 4। सिक्स सेंटीमीटर है, ठीक है, और ओ ए बी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, साइड दी हुई है इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस तरह से अब देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा पूरा आ जाएगा ये, और एक इसका रिफ्लेक्स एंगल है 60 का, तो ये 300 हो जाएगा। इस एंगल को ले लेते हुए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर इनटू 360 माइनस 60 अपॉन 360। 22/7 इनटू 36 इनटू 300 अपॉन 360, ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया और 36 से 36 कट जाएगा, यानी 22/7 इनटू 30 660/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया एरिया मेजर सेक्टर, ठीक है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3/4 इनटू साइड स्क्वायर, तो रूट 3/4 साइड 12 का स्क्वायर, रूट 3/4 इनटू 12 इनटू 12 एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 660/7 प्लस 36√3 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसको हल कर लेंगे या फिर ये है कि इसमें एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लें, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल तो पूरा आ जाएगा और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि एक डबार आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से माइनस कर देंगे तब ये हल हो जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सोचती हो और किस तरह से इसको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड ए 4 सेंटीमीटर, ये कोई स्क्वायर दिया हुआ है, एबीसीडी ये स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा क्वाड्रेंट ऑफ, अब ये क्वाड्रेंट इसमें दिए हुए सर्कल के इनकी रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, और ये कोई सर्कल और दिया हुआ है इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सर्किल टू सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा है कि ये एरिया ऑफ स्टेटर के लिए निकालना है, इसकी आर भी 1 सेंटीमीटर ही आ रही है, ठीक है। तब क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टेटर रीजन डायरेक्ट लिखा है सॉल्यूशन में, एरिया ऑफ सेकंड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ठीक है प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, स्क्वायर की साइड भी है 4, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू यहां पर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और यहां पर दोनों की आर सेम है, दोनों की आर सेम लग लगे, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल ये हो जाएगा, एक सर्कल ये हो गया, यानी 4 स्क्वायर का 16 कर लीजिएगा, 16 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, अब वैल्यू रख लूंगा 16 माइनस 2 इंटू 22 बाई 7, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 44 अपॉन 7, तो इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू 7 × 42 और 7 और 4 11, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा, और तो क्वेश्चन नंबर ये है जिसमें 120 का एंगल बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये 120 वाले एंगल्स जितने भी हैं वो रिमूव कर दिए गए कोर्स से, इसलिए इनको नहीं करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है एबीसीडी स्क्वायर, देखिए एक तो स्क्वायर दिया हुआ है एबीसीडी, मैं इस पार्ट का एरिया कर पाया, देखिए ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो एरिया सर्कल में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा, ठीक है, एरिया साइड तो हमने निकाल लिया है, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ जाएगी, ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगी, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर आ गई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट का 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, साइड का हमारा है 14 का स्क्वायर माइनस 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 7 इंटू 7, एक 7 से 7 कट जाएगा 196 माइनस 154, ठीक है, तो ये 2 और 4, इसका भी आंसर यही पहले भी 42 आ चुका है इसमें क्वेश्चन का 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से इसको हल करना है। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देते हैं, ठीक है, तब भी हल हो जाता और वैसे भी हल हो जाएगा, तो इस तरह से ज्यादा मेथड का शॉर्ट पर रहेगा, एरिया ऑफ सेवन रीजन यानी कि स्क्वायर का जितना भी एरिया आएगा उसमें से चार क्वाड्रेंट है इनका एरिया माइनस कर दीजिए, क्वाड्रेंट के एरिया के लिए आपको या तो ये 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर यूज करना है या फिर इसको भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हमेशा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 भी यूज कर सकते हो, थीटा की वैल्यू यहां पर रहेगी 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी और सब वैल्यू सेम ही रहेगी, तो सेम वैल्यू ही आएगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है, आपके तो एग्जाम में थोड़ा सा ईजी भी रहेगा पेपर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इनको ढंग से हल करें।